जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी कई मायनों में बहुत अद्भुत सत्संग है। जब ये सत्संग आप सुनेंगे ना तो आपको अपने आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स महसूस होंगे कि हमें गुरु जी के साथ कैसे रहना चाहिए। मतलब कि मैं ये कहूँगा कि ये ना सत्संग आपने टाइटल ही देखा ना संगत जी, कि जब आंटी गुरु जी के पास गई उन्होंने डायरेक्ट सीधा गुरु से एक ही बात कही, गुरु जी मैं आपको मानने नहीं आपसे मांगने आई हूँ। और तब गुरुजी का क्या जवाब, तो क्या सत्संग बन गया ये अपने आप में। बहुत अद्भुत सत्संग है, अद्भुत लीला है गुरुजी की संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ही प्यारी और लाडली संगत हैं दिल्ली से, हिमा पालीवाल आंटी जी। हाँ जी, दिल्ली से हिमा पालीवाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी पूरी संगत को। गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना और संजीव नारंग अंकल का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ यहाँ पे। मैं आज एक सत्संग में गई थी, डॉक्टर भार्गव हैं जो, मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला और भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को उनसे मुलाकात हुई, जो गुरुजी के एक्वाप्रेशर के डॉक्टर थे और गुरुजी के बहुत ही नियर थे। मेरे को वहाँ आज जाने का मौका मिला। आंटी का कॉल आया, उनकी वाइफ का, कि आज का सत्संग है और आपको आना है। तो मैं गई वहाँ पे और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पहुँच गई थी वहाँ पे। वहाँ जाके मेरे को जो जो आंटी ने मुझे सेवा दी, जैसे जैसे मुझे बोला कि आप सब्जी चॉप कर दो, आप थोड़े से ऑनियन काट दो, जो भी था मतलब। फिर उसके बाद दरबार डेकोरेशन हुआ, फूलों की सेवा हुई थोड़ी सी, वो भी मुझे सौभाग्य मिला करने का। उसके बाद सत्संग स्टार्ट हुआ 11 बजे बिल्कुल शार्प। वहाँ पे अंकल के पास बहुत ज़्यादा संगत नहीं आती, अंकल जी तो बोलते हैं पर उनको आदेश था कि गुरुजी का भी कि आप संग, आपको बहुत लोगों से नहीं वो करना है, बहुत ज़्यादा लोग, वो खुद ही बोल रहे थे अंकल कि मैं ज़्यादा लोगों का नाम भी याद नहीं रख पाता और बहुत भीड़ भी नहीं बुलाता हूँ, मेरी लिमिटेड संगत होती है। वैसे तो उन्होंने जो आ जाए, वो कहते जिनका जिनको गुरुजी का बुलावा उनको मोस्ट वेलकम, वो आएंगे यहाँ पे। तो वहाँ जाकर के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हुए मेरे, अंकल जी ने अपने सत्संग भी शेयर करे, जो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश भी करी कि मैं सुन करके आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूं। अंकल ने बताया कि जब मैं गुरुजी के साथ था तो एक तो सबसे पहले गुरुजी ने बीच का जो बिचौलिया होता है ना, कहते वो तो कभी है ही नहीं, कहते गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि किसी का साथ लेके या किसी का नाम लेकर के आप मेरे से मत जुड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मेरे से। और सेकेंड, अंकल जी ने एक सत्संग शेयर करा था, कहते मेरे सामने की बात है, कहते एक आंटी थी, कहते उन्होंने बोला कि मेरे को गुरुजी आपको मानना नहीं है आपसे मांगना है। तो कहते गुरुजी ने बोला मांग लो, बिल्कुल मांग आंटी, आ जा तू आगे आ जा मांग। तो गुरुजी को तो पता था वो क्या मांग चाहती हैं, वो अपने बच्चे के लिए चाह रही थी कि मेरा बेबी हो जाए करके। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि आप तुम आंटी मेरे को ही अपना बेटा बना लो। तो कहती नहीं है गुरुजी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो गुरुजी कहते ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, और आंटी को ऐसा बोल के जाने को बोला। फिर उन्होंने शाम को, अंकल आए उनके हस्बैंड, तो उनको बताया कि देख तेरी वाइफ आई थी आज, आंटी आई थी और आंटी को मैंने
वो मेरे को ऐसे ऐसे मांग रही थी और ऐसे ऐसे बोल रही थी, और मैंने उसको बोल दिया मैं तेरे को दूंगा। उसके पीछे ये रीज़न था कि अंकल ने बोला था, अंकल को सारा कुछ गुरुजी ने बता दिया था कि अगर मैं बेटा दूंगा भी तो उसका 11 साल ही है, दिन समय सब कुछ उन्होंने निश्चित करके बता दिया था कि वो 11 साल तक ही रहेगा, और 11 साल के बाद जैसी वो उसको कंप्लीट होंगे वैसी वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अंकल ने, गुरुजी शायद इसीलिए नहीं देना चाह रहे थे, गुरुजी ने बोला उस टाइम तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, 11 साल तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो उसके बाद जाएगा तो फिर कैसा लगेगा। तो शायद इसीलिए गुरुजी कई बार, अंकल बोलते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने मांगा था हमारा पूरा नहीं हुआ, हमारी चीज़ें नहीं हुई, हम लोग बिल्कुल विश्वास ख़त्म कर देते, पर कहते ऐसा नहीं है, कहते गुरुजी सुनते भी हैं समझते भी हैं, पर कहते जब उनको जब देना होता है वो तभी देते हैं उस चीज़ को। और कहते वो जितनी भी अच्छी सोल्स होती हैं, जितनी भी प्योर आत्मा होती हैं, कहते जिनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा, कहते गुरुजी ढूंढ ढूंढ के उनको जोड़ते हैं। भार्गव अंकल ने अपना खुद का सत्संग शेयर करा, कहते मेरी तो लाइफ ही नहीं थी, कहते पंडितों के हिसाब से मेरी लाइफ ही नहीं थी, और ये कहा जाता था कि शादी के बाद ही तेरी डेथ हो जाएगी। सॉरी संगत जी। तो और वो कहते हैं देखो आज मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ, बैठा हुआ हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, 70 की एज मेरी हो गई है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। तो कहते ये तो गुरु जी का ब्लेस करा हुआ है। कहते उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे करा, कहते मेरे वाइफ के, कहते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने इस तरह से प्रॉब्लम को ख़त्म करा। जैसे मेरा प्लास्टर कटा उसके बाद फिर आंटी के पैर में प्लास्टर, पैर का एक्सीडेंट हो गया, फिर उनके पैर में दिक्कत है, आंटी अभी चलती हैं तो थोड़ा सा उनका पैर में लचक आती है थोड़े से पैर में। तो अंकल ने बताया कि उन्होंने इस तरह से हमें लाइफ दी, इस तरह पैरों में हमारे सारे ग्रह काट दिए दोनों के, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो उनके बहुत सारे हैं, पर ये छोटा सा सत्संग ही मैं आपको सुना पा रही हूँ। और एक सत्संग मेरे साथ भी हुआ, उन्होंने एकदम से बोला मेरे को सबके सामने, हेमा आंटी आप सत्संग शेयर करो। तो मैंने करा अपना सत्संग शेयर, और फिर जब मैं निकल रही थी प्रसाद वगैरह लेके, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मेरे को ना गुरु जी का स्वरूप चाहिए, मतलब मन में चल रहा है ये, मेरे सोच रही हूँ मैं उस चीज़ को लेके। एकदम से अंकल कहते हैं, भार्गव अंकल रुको आंटी रुको अभी 2 मिनट। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अरे इतनी जल्दी गुरु जी ने सुन भी लिया, अंकल ने सुन भी लिया। अंकल ऊपर मेरे लिए जहाँ पे उन्होंने गुरु जी का पूरा आसन लगाया हुआ है, पूरा रूम बनाया हुआ है, इतना सुंदर दरबार बना लगाया हुआ है आंटी ने, वहाँ पे गए तो मैंने बोला क्या हुआ, कहते वो आपके लिए स्वरूप लेने गए। मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर सोचिए वो उनके पास जो स्वरूप था लगा हुआ था वो उतार के मेरे को दे रहे थे, अंकल ने दे दिया था। तो आंटी जी एकदम से बोली ये नहीं देना है, रुको मैं लेके आती हूँ, ये नहीं देना आप यहीं रखो इसको। चलो मेरे को तो ये लगा, मतलब सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, हम है ना, आंटी तो इतनी प्योर सोल है, इतनी साफ है कि उन्होंने मुंह पे ही बोला, ऐसे पीछे से नहीं कहा जाके कि नहीं नहीं आपको ये नहीं देना है, कहती रुको। और फिर संगत जी मेरे को एक स्वरूप नहीं, मेरे को दो दो गुरु जी के स्वरूप मिले। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी।